हेलो मेरे प्यारे बच्चों फिर से एक बार हट वेलकम टू माय सेशन और यूट्यूब वीडियो सिचुएशन तो वही है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है वही कोविड की वजह से हम लोग सब घर में हैं घर में रह कर काम कर पा रहे हैं बहुत अर्जेंट नहीं हो तब तक बाहर नहीं जा रहे हैं ठीक है, है एकदम इसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली और पढ़ाई के लिए तो बेस्ट है घर में रहना है आपको सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं ऑनलाइन टीचिंग हो ही रही है पढ़ रहे हैं आप जहाँ भी हैं जैसे भी है हिम्मत नहीं हारना है आप बिल्कुल कर सकते हैं सिचुएशन uh, कुछ भी हो अपने गोल पे हंड्रेड परसेंट आप फोकस्ड रहें और डिटर्मिनेशन के साथ काम करें डेफिनेटली यू विल सक्सीड ठीक है खैर जेनेटिक्स में हम लोग अभी क्लासिकल uh, जेनेटिक्स में काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में लॉज के बारे में पढ़ा था को डोमिनंस के बारे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ा था अच्छा हाँ मल्टीपल एलिज्म भी पढ़ा था हम लोगों ने जिसमें ए सिस्टम के बारे में पढ़ा था शायद आपने लेक्चर देखा होगा नहीं देखा तो कम्प्लीटली आप देखें उसे बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एलिजम कंसेप्ट नीट और पी एग्जाम्स के लिए भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बनाएं बिल्कुल बनेंगे क्वेश्चन ठीक है और मैं कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन सेशन भी लेके आऊँगा जिसमें मैं फिर बात करूँगा क्वेश्चंस के बारे में जेनेटिक्स में और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं बात करूँगा मैं खैर आज का टॉपिक जो है वो है लीथल जीन्स ठीक है लीथल uh, जीन्स से कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं और आज ही के लेक्चर में एक दूसरा सेगमेंट है जो आज के लेक्चर में सेकेंड टॉपिक होगा सब टॉपिक होगा वो होगा प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब हम लोगों का आज का लेक्चर टोटली कन्फाइंड टू टू बेसिक थिंग्स लीथल जीन एंड प्लियोट्रोपिक जीन दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं लीथल जीन जीन ठीक है वन बाय वन करके देखते हैं क्या है सबसे पहले लेट्स कम टू लीथल जीन लीथल जीन लीथल का मतलब क्या है मतलब जो किसी की जान ले ले लीथल है समझ रहे हैं बात को ठीक है तो व्हाट आर लीथल जीन्स जीन्स विच में कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आइदर इन होमोसाइगस समझा आपने व्हाट आर लीथल जीन्स जीन्स विच टेक पार्ट इन विच इंफ्लुस विच कॉज इज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आइदर इन होमोजाइगस और कंडीशन इज इज कॉल्ड थैलिटी समझा आपने किसी जीन के वजह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है तो ये कहलाता है लिथालिटी और फेनोमेना है और जीन को लिथल जीन बोलेंगे ठीक है आ, तो बात उठेगी कि ये लिथल जीन सर कहां से आएगा तो ऑब्वियसली हम लोगों ने याद कीजिए कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था आप देख सकते हैं लेक्चर को ऑफ डोमिनेंस मॉडिफिकेशन से म्यूटेशन से और म्यूटेशन ही है कोई एक नए कैरेक्टर को एब्रप्टली जीन पूल में एक नए स्पीशीज में जीन पूल में वो डाल सकता वो है वो फैक्टर है म्यूटेशन तो म्यूटेशन

आगे चल के प्लांट में सबसे पहले बेर ने डिस्कवर किया एंटीरिनम मेजस में किस में किया एंटीरिनम मेजस में दैट इज स्नैप ड्रैगन प्लांट याद कीजिए इसमें हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था याद आया तो उसी में एंटीरिनम मेजस में बट वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए फ्लावर कलर के लिए पढ़ा था और यहां पे है लीफ कलर मतलब एंटीरिनम में लीफ कलर के लिए और माइस में सुना आपने माइस में कोट कलर के लिए स्किन कलर के लिए लीथल जीन डिस्कवर्ड हुए हैं मेनली ठीक है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्यू नॉट इन माइस ठीक है ये बातें हो गई

सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स में लीथल जीन्स में एक्ट इन फॉलोइंग फॉर्म्स सबसे पहले इंडिविजुअल uh, का बट प्री डेथ हो जाएगा बिफोर बर्थ ऑर्गेनिज्मिक स्टेज इम्रिक स्टेज में ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा प्री डेथ हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एप्सोल्यूट लिथालिटी और अर्ली ऑनसेट यह लेट्स कम टू द एग्जाम्पल ऑफ एप्सोलूट लिथैलिटी जैसा कि बताया अभी एप्सोलूट लिथैलिटी में कि ऑर्गेनिज्म विल डाई बिफोर बर्थ मतलब इम्ब्रोनिक स्टेज में ही ऑर्गेनिज्म मर जाएगा प्री नैटरल डेथ हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है इसको अर्ली ऑनसेट भी बोला हम लोगों ने एब्सोलूट लिथैलिटी बोला और रेशियो चेंज हो जाएगा टू इस टू वंस में देख सकते हैं आप डिस्कर किया था दो ये कलर्ड माइस को उन्होंने क्रॉस कराया है, कराने के बाद जो मिला, क्या दिखा कि कुछ का डेथ हो गया था जो होमोजागस कंडीशन में आते हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट आते हैं दे विल डाई बिफोर बर्थ एम्ब्रॉनिक स्टेज में ही उनका डेथ हो जाता है और एक्चुअल में बर्थ जो होता है जो प्रोजिनियो मिलते हैं दे एपियर इन द रेशियो ऑफ टूज टू वन जो क्या था बताइए येलो थे टू और वन क्या था ब्राउन था मतलब होमोजाइगस विल डाई बिफोर बर्थ यहां पे दिख रहा है आपको होमोजाइगस डोमिनेंट पहले बर्थ से पहले ही मर जाता है यही एफलूटली दूसरा एग्जाम्पल है लीव एंटीरिनम एंटीरिन स्नैप के केफ में भी दो तरह के लीव्स दिखते हैं कुछ स्नैप ड्रेगोन के लीव्स होते हैं गोल्डन कलर जिसको ओरिया बोलते हैं गोल्डन कलर लीफ होते हैं और ग्रीन होते हैं ठीक है ग्रीन रसिव कलर होता है गोल्डन क्या डोमिनेंट कलर है ठीक है तो उन्होंने दो गोल्डन कलर लीफ प्लांट में क्रॉसिंग कराया ठीक है तो आफ्टर क्रॉसिंग अगेन अगेन देयर वाज ऑब्जर्वेशन ऑफ ओनली टू टाइप्स ऑफ़ एंड ग्रीन टाइप ठीक है यहां पर भी आप देख सकते हैं फिर से कि जो ओरिया जो होमोजाइगस डोमिनेंट बनेगा होमोजाइगस डोमिनेंट विल डाई बिफोर बर्थ दैट इज एप्सोलूट लिथालिटी यहां पे देख रहे हैं डबल जी का डेथ हो गया है और ये हेट्रोसाइगस जी ओरिया फीचर देगा और स्मॉल डबल जी ग्रीन देगा तो अगेन फिर यहां पे हम लोग देख सकते हैं फिर जी के बराबर है और ये है टू इस टू तो ये पहला एग्जांपल आपने देखा एब्सलूट लिथालिटी का दूसरा एग्जांपल है सब लिथालिटी यहां पे ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा ठीक है लेकिन ऑर्गेनिज्म विल बिफोर प्यूबर्टी प्यूबर्टी का जो भी है ह्यूमन में अगर हम लोग देखें तो ये 14-15 ईयर्स का है 14-15-16 ईयर्स मान लेते हैं तो प्यूबर्टी के पहले ही ये लीथल जीन एक्टिव हो जाएंगे एंड दे कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल सबली आया समझ में प्री 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 डेथ नहीं होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ नहीं होगा ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा अब बर्थ होने के बाद लेकिन बिफोर प्यूबर्टी ऑर्गेनिज्म विल डाई ड्यू टू लीथल इफेक्ट ऑफ जीन समझा आपने तो यह सब लिथॉलिटी इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जो मैंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है देख सकते हैं आप सिकल सेल इंडिविजुअल विथ एच बी एस एच बी एस जीनोटाइप सिकलसल एनीमिया में जब पढ़ेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया में एच बी एस एच बी एस जीनोटाइप हो जाता है तो होमोजाइगस रेसिस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म विल डाई देखिए पॉइंट रिमार्केबल है इन दोनों कंडीशन में यहां देखिए आप तो होमोजाइगस डोमिनेंट में डेथ हो रहा है और सब लिथालिटी में आप देख रहे हैं होमोजाइगस रेस्व में डेथ हो रहा है ठीक है एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं जो मैं स्किप कर चुका हूं एब्सुलटली में जब ये पढ़ेंगे तो फीमेल विल डाई बिफोर बर्थ कंडीशन इज एक्स एक्स एच एच जो लोग नए हैं वो नहीं से बच पाएंगे थोड़ा सा वेट करेंगे जब डिसऑर्डर के बारे में या जेनेटिक डिसऑर्डर जब पढ़ेंगे तो हिमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे अभी आप समझें हिमोफीलिया एक डिजीज है जिसमें इंटायर ब्लड विल फ्लो आउट थ्रू अ माइनर कट एक माइनर कट से पूरा ब्लड फ्लो हो जाता है बाहर निकल जाता है और नॉर्मल इंडिवी

चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं डिलेड इथेलिटी के बारे में डिलेड इथेलिटी का मतलब है यहाँ पे अर्ली ऑनसेट नहीं है मतलब प्री, प्री नेचुरल डेथ नहीं हो रहा है सबली थेलिटी नहीं है मतलब प्यूबर्टी के जस्ट बार्डित नहीं हो रहा है डिलेड का मतलब यहां क्या है ऑर्गेनिज्म विल डाई आफ्टर कंप्लीटिंग रिप्रोडक्टिव एज समझ रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज अगर हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो 50 इयर्स को हम लोग एक रिप्रोडक्टिव कंप्लीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज मान सकते हैं क्योंकि फीमेल्स में यूजली फोर्टी फाइव के बाद मेनोपॉज होता है तो फिफ्टी ईयर्स हम लोग मान सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज है तो इसका मतलब इस कंडीशन में जीन्स टर्न एक्टिवेटेड आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज मतलब पचास साल लगभग पचास ऑलमोस्ट पचास साल के बाद ही ये जीन एक्टिव हो जाएंगे एंड दे कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिलेड लिथैलिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है हंटिंगटन कोरिया एक न्यूरोटिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को ये पता नहीं होता है इंडिविजुअल को यह पता नहीं होता है कि उसको यह डिस मतलब मतलब बहुत ही खतरनाक है वाई बिकॉज दिस डिफेक्टिव जीन इज ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन ठीक है क्योंकि इंडिविजुअल को तो पता ही नहीं है कि उसमें कोई लीथल जीन है और वो जीन चला जा चुका उसके प्रोजरी में ठीक है और 50 इयर्स के बाद सर्टेन ये एक डिजीज अपियर होता है अगर मान लेते हैं हम लोग हंटिंगटन डिजीज के बारे में हंटिंगटन कोरिया के बारे में तो 50 के बाद ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है ठीक है तो कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर तो लोगों को पता भी नहीं चलता है तो बच्चे में ये डिफेक्टिव जीन है लेकिन ये पता नहीं है फिर वो उसके बच्चे जब 50, 50 इयर्स को के अप्रोचिंग होंगे तो उनमें ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन अगेन दिस जीन विल लीड टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म और फिर से वो जो डिफेक्टिव जीन है उसके प्रोजीन में जा चुका होगा मतलब इस केस में एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन फ्रॉम जीन पूल इज नियरली इम्पॉसिबल बात समझ रहे हैं कि अगर ये डिफेक्टिव जीन है तो ये पॉपुलेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहेगा क्योंकि इसका एलिमिनेशन लगभग इम्पॉसिबल है पॉसिबल तभी होगा ना जब वो वो इंडिविजुअल जो जिसमें डिलेड लिथैलिटी का जीन है वो आगे फर्दर मैरिज ना करे या अपने प्रोजनी का फॉर्मेशन ना करे जिससे वो डिफेक्टिव जीन ट्रांसफर नहीं हो तभी तो उसके डेथ के बाद वो जीन इस जीन पुल से ख़त्म हो पाएगा इसलिए कहते हैं

बातें अब आ रहे हैं इस लेक्चर के सेकंड टॉपिक पे दैट इज प्लियोट्रोपिक जीन व्हाट इज प्लियोट्रोपी प्लियोट्रोपी लिटरली मींस मल्टीपल टर्न और इफेक्ट मतलब ये आ चुका है ये ग्रीक वर्ड है प्लियोट्रोपी प्लियोट्रोपी का मतलब है एक 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 जीन की वजह से मल्टीपल इफेक्ट आए दैट फेनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी फिर से बोलते हैं व्हाट इज प्लियोट्रोपिक जीन द जीन विच गिविच कंट्रोल्स विच इंफ्लुएंस मल्टीपल कैरेक्टर गिव्स मल्टीपल फिनोटिपिक फिनोटिपिक इफेक्ट सच जीन इज कॉल प्लियोट्रोपिक uh, जीन आया समझ में उनको क्या बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन जो एक जीन है लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है मल्टीपल इफेक्ट देता है मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है दैट इज कॉल प्लियोट्रोपिक जीन एंड फेनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी सुना आपने ठीक है तो प्लियोट्रोपी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो, तो कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं जैसे आ, अपार्ट फ्रॉम मेजर इफेक्ट एसोसिएटेड चेंजेस सेकेंडरी इफेक्ट हाँ ठीक है प्लियोट्रोपी जब होता है तो एक तो मेजर चेंज होगा वो जीन में डिफेक्ट होने के कारण एक मेजर चेंज आ जाएगा और साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी जैसे होते हैं तो उसी तरह सेकेंडरी इफेक्ट भी आएंगे तो बहुत सारे जब सिम्टम्स अपियर होंगे तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं सिंड्रोम जैसे एड्स कोई डिजीज़ नहीं है सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स समझ रहे हैं तो प्लियोट्रोपिक जीन की वजह से कई बार सिंड्रोम सिंह होते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं ठीक है तो ये हम लोग देखेंगे मेन मेन इसका जो मोटिव है प्लियोट्रोपिक जीन के एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट में देखेंगे इसके एग्जांपल्स को देखते हैं अभी सिर्फ बाई नेम तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है मॉर्फन सिंड्रोम है ठीक है फेनाइल की टूनोरिया है देख सकते हैं आप नीमिया है ये सब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर में देखेंगे हाँ ड्रोसोफिला में ये दो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें हैं ड्रोसोफिला में एक जीन है जो कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है मतलब इफ यू म्यूटेट दैट जीन इट विल कॉज और इट विल गिव मल्टीपल इफेक्ट क्या क्या करेगा ये जीन ड्रोसोफिला में विंग का साइज कंट्रोल करता है इस का, का शेप कंट्रोल करता है फर्टिलिटी कंट्रोल करता है लॉन्गविटी कंट्रोल करता है फिर फिर आपको कैरेक्टर ऑफ बैलेंसर कंट्रोल करता है पोजिशन ऑफ डॉसिव

ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल को दैट इज इन गार्डन पी सिंगल जीन बी कंट्रोल्स स्टार्च सिंथेसिस एंड शेप ऑफ़ द सीड इसको हम लोग अभी देखने वाले आप बोर्ड पे देख सकते हैं यहां पर हम लोग बात कर रहे थे प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में तो एनसीआरटी में कैपिटल बी जीन कंट्रोल्स बोथ सीड शेप एंड स्टार्च सिंथेसिस इन पाइसम एनपीटिंग कंफ्यूज मत नहीं होंगे क्योंकि हम लोग हम हमेशा जो एक एजम्पन है कि राउंड के लिए हम लोग कैपिटल आर और रिंकल के लिए स्मॉल आर ये ये तो बस एक एजम्पन है कि कैपिटल आर कुछ भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं के भी लिख सकते हैं एन ने बी लिखा है तो बी मान लेते हैं कि एक जीन है बी जो प्लियोट्रोपिक नेचर का है डिस्कवर्ड है एन में मैंशनड है इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल बी जीन इज प्लियोट्रोपिक इन नेचर इन केस ऑफ गार्डन पी पाइसम सेटिजम अब क्या प्लियोट्रोपी है इसको समझना है वन जीन मल्टीपल इफेक्ट दैट इज कॉल्ड प्लियो तो देखा गया क्या कैपिटल बी जीन स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल करता है और सीड शेप को भी कैपिटल बी जीन जब होमोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन कंडीशन में या, में रहता है रहता तो लार्ज स्टार्च ग्रेन का फॉर्मेशन करता है पी में स्टार्च ग्रेन का फॉर्मेशन लार्ज होगा ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर कैपिटल डबल बी होने पर लार्ज स्टार्च ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसी तरह स्मॉल डबल बी होने पे स्मॉल स्टार्च ग्रेन का फॉर्मेशन होता है receiver. तो लेकिन जब एफ जनरेशन आया तो हेट्रोजाइगस के हिसाब से आना चाहिए था लार्ज लेकिन आ गया इंटरमीडिएट याद कीजिए कौन से फर्मुना में हम लोग इंटरमीडिएट प्रोजीनिक का फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है तो वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब इन केस ऑफ इन केस ऑफ स्टार्च सिंथेसिस कैपिटल बी जीन फॉलोज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप देख सकते हैं यहां पे इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन मिल रहे हैं मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है और आफ्टर सेल्फिंग वी गेट और में आप देख सकते हैं कैपिटल डी डबल बी वाले क्या बन गए हैं लार्ज स्टार्च ग्रेन वाले हेट्रोसाइगस बी वाले क्या बन गए हैं इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन के साथ आए हैं और स्मॉल डबल बी स्मॉल स्टार्च ग्रेन के साथ आए हैं मतलब इनकेस ऑफ स्टार्च सिंथेसिस कैपिटल बी फॉलोज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीटिपिक रेशियो इज इक्वल टू वन इज टू टू इज टू वन देख सकते हैं आप दोनों सेम है चलिए अब इसी जीन का सेम जीन का दूसरा इफेक्ट देखते हैं यह है सीड शेप पे देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल डबल बी होने पर सीड शेप कैसा है राउंड है और स्मॉल डबल बी होने पर रिंकल्ड है ठीक है आफ्टर क्रोसिंग वी गेट हेट्रोजाइगस एफोन प्रोजनी एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमेंस एफ्रोजनी एपियस राउंड यहां देख सकते हैं राउंड हुआ ठीक है और फिर से आफ्टर सेल्फिंग वी गेट दीज थ्री टाइप ऑफ जीनो टाइप क्या क्या वन बाय फोर कैपिटल डबल बी टू बाई फोर हेट्रोजाइगस बी एंड वन बाई फोर स्मॉल डबल बी एंड कैपिटल डबल बी एपियर राउंड ठीक है एंड अलॉन्ग विथ कैपिटल डबल बी हेट्रोजाइगस बी ऑल्सो एपियस राउंड मतलब क्या क्या देख रहे हैं आप कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी राउंड आ रहा है मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है और ये तो रिंकल्ड हो गए तो फाइनली कंक्लूड क्या करेंगे कि कैपिटल बी जीन जब सीड शेप को कंट्रोल करता है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है और तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो अलग अलग होंगे फिनोटिपिक रेशियो थ्री इज टू वन और जीनोटिपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू वन होगा तो ये हम लोगों ने फाइनली देख लिया है कैपिटल बी जीन का रोल इन गार्डन पी विच कंट्रोल्स बोथ स्टार्च ग्रेन साइज एंड सीड शेप इन पाइजम सेटिवम गार्डन पी जो कि एन में मैंशनड है बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आप समझ सकते हैं प्लियोटॉपिक इफेक्ट क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसके एग्जाम्पल थे चुनोरिया भी थे ठीक है तो ये सब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट में देखेंगे नीट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली मैं समराइज कर देता हूँ चीजों को जिसे आप याद कर पाए लिथैलिटी फेनमिना इन विच सर्टिन जीन कॉज कॉजेज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज लिथैलिटी जीन लिथल जीन्स ठीक है एप्सूट लिथेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म बर्थ के पहले ही मर जाता है रेशियो होता है ठीक है सब लिथेटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्साम्पल होगा अच्छा के example, दो तीन याद रखेंगे जिसमें पर्टिकुलरली एप्सलूट लिथेलिटी में एक्सएच जीनोटाइप मतलब हीमोफिलिक फीमेल विल डाई बिफोर बर्थ इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल सब लिथेलिटी यह भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए सब लिथेलिटी का एग्जाम्पल क्या है एनीमिया है वो भी कौन सा एचबीएस एचबीएस जीनो टाइप है विल डाइ बिफोर प्यूबर्टी हो गया थर्ड थर्ड टाइप जिसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दोनों कंडीशन में डेथ होता है इंपॉर्टेंट है हांचिंगटन कोरिया में होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोथ विल डाई फ्टर रिप्रोडक्टिव एज डिलेड था और कंडीशनल जो की चेंज फैक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होता है ठीक है उसके बाद प्लियोपी दिया प्लियोट्रोपिक मल्टीपल इफेक्ट कॉल प्लियोट्रोपी one, one याद हो गया इसका कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना है फाइनल एक एग्जाम्पल को अभी देखना है जो एनसीआर में है कैपिटल बी जीन इस प्लियोट्रोपी के नेचर इन गार्डन पी ए कंट्रोल बोस स्टार्च ग्रेन साइज एंड एंड सीड शेप और कैसे क्या ये देख लिया हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ये होगा लेथल जीन्स के केस में फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो क्या क्या था टू इज टू वन और प्लियोट्रोपी के केस में हम लोग देख सकते हैं कैपिटल बी के लिए तो सीड शेप के लिए इसका रेशियो फिनोटिपिक थ्री इज टू जीनोटिपिक लेकिन स्टार्च ग्रीन साइज के केस में कैपिटल बी फॉलोज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ यूनिटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू वन इज टू टू इज टू वन दैट्स ऑल तो ये फाइनली हम लोगों ने पढ़ लिया है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू